ये है कुसुम सरोवर, कितना प्यारा है ना। यहीं पे कृष्ण भगवान राधा जी के लिए फूले तोड़ा करते थे और उसी से मालाएं बनाते थे। ये मंदिर देखो, ये भी वही गिरिराज जी का, उन्होंने कैसे पर्वत को उठाया हुआ है श्री कृष्ण भगवान ने, कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, जय श्री गिरिराज महाराज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है मेरा दूसरा दिन मथुरा में और मैं आज जा रहा हूँ गोवर्धन पर्वत। मतलब कल जो हमने प्रेम मंदिर में देखा, जो कृष्ण भगवान ने उठाया था अपनी उंगली पे, उसका एक्चुअल जो जगह पे वो पर्वत है, हम आज वहाँ जा रहे हैं। ऑल्सो वहाँ पे कुसुम सरोवर है, वो सब एरिया है वहाँ पे बरसाना साइड, वो आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो यहाँ 30 किलोमीटर दूर है। हमने ऑटो बुक की है, ही इज़ टेकिंग अराउंड 1000 रुपीज़। वो हमको पूरा दिखाएगा और एंड में हम लोग कृष्ण जन्मभूमि देखने वाले हैं। तो आज का ऐसा स्केड्यूल होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको एक और साइड ऑफ मथुरा दिखाने वाला हूँ, कृष्ण जन्मभूमि विच इंक्लूड्स गोवर्धन पर्वत वाला साइड, जो अब कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे वही सेम सीन है, बैरिकेड पे हमको आगे उतार दिया, तो बैरिकेड से हमने ये ई रिक्शा किया है। ये ई रिक्शा हमको गोवर्धन पर्वत, जहाँ पे उन्होंने अपने उठाया था, वो उदान घाटी मंदिर और कुसुम सरोवर पूरा घुमाने वाले हैं। तो अब हम इस ई रिक्शा में पूरा घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं कुसुम सरोवर, तो चलो आपको कुसुम सरोवर पहले घुमाते हैं, उसके बाद आपको उदान घाटी मंदिर लेके जाएंगे, जो मंदिर यहाँ पे फेमस है, जिसके लिए ये पूरा जगह जाना जाता है। और आपको उसी के साथ मैं यहाँ का जो भी है वो सब बताऊँगा। तो हम सरोवर पहुँच चुके, कुसुम सरोवर। और ये जो जगह है ना, इसकी जो स्पेशलिटी, मतलब ये नोन क्यों है, मैं आपको वो बताता हूँ। पहले तो ये बंद था, भैया ने हमारे रिक्वेस्ट पे खोला है, क्योंकि ये पूरा जगह खाली है, मतलब बंद है, कुछ काम चालू है तो पूरा खाली है। और कहा जाता है ये जिस जगह से पूरा घिरा हुआ है ना, यहाँ पे कृष्ण भगवान अपने गोपियों के साथ बैठते थे और राधा जी के लिए यहाँ से वो फूल तोड़ा करते थे और उसके मालाएं बनाया करते थे। मैं आपको जगह तो दिखाऊँ यहाँ पे एक बार, ये देखो, ये है कुसुम सरोवर। कितना प्रिटी, आप देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना, शाम के टाइम पे ना वो फाउंटेन शो भी होता होगा, आप सेंटर में देख सकते हो, पूरा बनाया गया है। और कितना प्यारा सरोवर है, एकदम विंटेज एंशेंट का टाइम का ऐसा फील हो रहा है, अगर आप देखोगे तो कितना प्यारा लग रहा है। वाह, आप समझो पहले के टाइम पे कैसा होता होगा ये सरोवर, मतलब आप अगर रिलेट करोगे तो राजाओं के समय का, वो लोग यहीं पे बैठते थे, यहीं पे बैठक होता था, यहीं पे शो होता था, कितना सही लगता होगा। पानी देखो बहुत अच्छा है यार, बहुत सही है, मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत सही लग रहा है। उधर देखो वो कितना प्यारा लग रहा है, जूम करता हूँ एक बार, बहुत सही लग रहा है। अच्छा है यार, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम लोग कुसुम सरोवर, अंकल ने हमारे रिक्वेस्ट पे खोल दिया 5 मिनट के लिए, जस्ट टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस, कि हम लोग दूर से आए हुए, तो चलो एटलीस्ट हमने विजिट कर लिया, उनको अच्छा लगा, सुकून लगा। तो बहुत अच्छा है कुसुम सरोवर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दान घाटी मंदिर, या फिर वो जो भी हमको भैया लेके जाएंगे रिक्शा वाले, वहाँ जाते हैं और वो क्या है उसके बारे में जो भी है हम आपको बताते हैं। ये देखो, ये है बजरंग बली जी, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, कितने प्यारे हैं, जय बजरंग बली। वाओ, जय बजरंग बली। हम अभी उतर चुके हैं और जा रहे हैं गिरिराज महाराज के दर्शन करने, जो मतलब यहाँ पे सबसे फेमस है। और यहाँ पे वही मूर्ति बनी हुई है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने उंगली पे उठाया था पर्वत को, तो हम उसी गली में जा चुके हैं। कितना प्यारा है ये, खाने पीने का भी सब यहाँ पे मिलेगा आपको, और सारे लोग बैठ के यहाँ पे अभी खा पी रहे हैं, जो उन्होंने दर्शन कर लिए होंगे। तो ये गली देख करके तो बहुत पुराना, मतलब एक अलग ही वाइब है, मैं आपको वाइब कैसे बताऊँ बता नहीं पा रहा हूँ, बट
बहुत अलग सा वाइब है, इतना पुराना है, कितना पुराना, बहुत अलग सा फील हो रहा है यार। मैं आपको बता नहीं पा रहा, वर्ड्स खत्म हो गए मेरे पास अभी तो, बट बहुत अलग फील है। चलो एक बार दर्शन करते, देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है गिरिराज महाराज के दर्शन के लिए, और आपको भी कराते हैं। यहाँ रश कितना ज़्यादा है, यहाँ भी फोटो लेना मना है बोल रहे हैं गिरिराज। कहाँ जाना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है। चलो भैया चलो, चलो आगे चलो, दर्शन करते हैं फटाफट। आगे बढ़िए भैया। अभी श्रृंगार का समय हो चुका है तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते, मतलब इतना दूर आकर के दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो गया, बट ठीक है इधर आ गए, यहीं से मतलब पूरा वाइब फील कर लिया। बट अंदर जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी श्रृंगार इन्होंने शुरू कर दिया और इन्होंने अंदर एंट्रेंस बंद कर दिया है, हमको यहीं से पीछे जाना पड़ेगा। बट अब माहौल देखो, श्रृंगार के समय फोटो लेना भी मना है और अंदर जाना भी मना है। भीड़ देखो, लोग देखो, मतलब गिरिराज महाराज के दर्शन के लिए तो अंदर जाने से अच्छा बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं। भैया क्या क्या है, क्या क्या बाप रे, टोटल 12 चाट होती है, 12 चाट और अभी टी चाट है, कश्मीरी चाट और लखनऊ चाट। भैया ढोकला मत देना, ढोकला मत करो, समोसे करो, समोसे समोसे आपके गर्मा गर्मा आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कितने के समोसे? समोसे 20 रुपए की आएगी। कितने समोसे? 1 पीस और 20 रुपीस। वाओ नाइस, अच्छा है। हम मुंबई से आए हैं, मुंबई से आए हो। हाँ, यहाँ लस्सी इन मेकिंग, देखो लस्सी बन रहा है, दही लेते हैं फिर ये लोग मटते हैं, देखो ये पूरा दही है, दही का लस्सी बनता है, समझ गया, वो मठेंगे ना, मटते हैं ना पूरा मशीन से। अच्छा हाँ, मटते थे पहले, हाँ मट रहे हो मशीन से, वो पूरा मट रहे हैं। फूड कल्चर इज सो गुड यहाँ पे, कितना प्यारा है, मजा। तो हमारा तब तक समोसा बन ही रहा है, पेट पूजा करते हैं, दर्शन तो करने को मिला नहीं, बट ये नहीं मिस कर सकते, खाना पीना दोनों बहुत जरूरी है। मुंह में पानी आ रहा था तो हमने सबसे पहले साबूदाना लिया क्योंकि समोसे बन रहे हैं और रहा नहीं जा रहा, तो समोसे से पहले हम लोगों ने सोचा कि पहले साबूदाना खाते हैं, हेल्दी से शुरुआत किया जाए। साबूदाना, हमारे समोसे फाइनली रेडी हो चुके हैं, देखो निकल रहे गर्मा गर्म समोसे, वाओ अब आएगा मज़ा इसको जब चटनी के साथ खाएंगे। कब से हमारे नज़र में था समोसे खाना है बट गर्मा गर्म नहीं मिले थे, गर्मा गर्म नसीब। जल्दी बना दो भैया हमारे लिए, चटनी डाल उल के एकदम देना प्रॉपर, आनंद आ जाएगा आपको, बस आनंद ही चाहिए और कुछ नहीं। आप दूर से आए, मुंबई से आए, यहाँ से बराबर आपको अच्छे समोसा नहीं खाएंगे, सही बात है। समोसा बन रहा है अभी, देखो थोड़ा सा डालेंगे आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, हाँ ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी ये हमारी स्वीट खजू वाली चटनी है, मसाला होम मेड है, नमकीन, क्या बात है, रेडी। तो खाना बहुत यमी था, मतलब समोसे यम, मज़ा आ गया खा करके, और लस्सी भी बहुत टेस्टी थी। अब समय है वापस ई रिक्शा पकड़ने का और अपने ऑटो वाले भैया के पास जाना है, हम देख रहे हो अंधेरा होने को है, देख सकते हैं, तो हमको टाइम से पहले पहुंच जाना है सो दैट ऑटो पकड़ के हम लोग वापस भी जा सकें मथुरा, और हमको कृष्ण जन्मभूमि भी टाइम से पहले देख लेना है क्योंकि इधर आए तो उनकी जन्मभूमि को देखना बनता है बहुत, और वहाँ पे मोदी जी के चक्कर में थोड़ा ट्रैफिक का भी चांसेस है, तो उन सबको नज़र में रख के हम लोग टाइम पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। बट द फूड वॉज यम, मज़ा आ गया खा के, अब बहुत शांति मिलती है पेट को, पेट भर जाता है तो मतलब सब काम अच्छे से हो जाता है। चलो फटाफट ईवी रिक्शा लेते हैं अपने वाला। ये मंदिर देखो, ये भी वही है गिरिराज जी का, उन्होंने कैसे पर्वत को उठाया हुआ है श्री कृष्ण भगवान ने, कितना प्यारा लग रहा है, वाओ।
श्री गिरिराज महाराज। तो हमको होटल आना पड़ा क्योंकि नाकाबंदी बहुत ज़्यादा थी और वो गाड़ी वाला उधर से लेके आया तो जन्मभूमि के लिए उल्टा जाना पड़ता। तो अभी मैं वापस होटल से यहाँ से दूसरी गाड़ी करके जन्मभूमि के लिए जाने वाला हूँ। तो चलो दूसरी गाड़ी करते हैं, जन्मभूमि जाते हैं। और जन्मभूमि तो देखना बहुत ज़रूरी है, जन्मभूमि जाते हैं और कंस किला देखते हैं। हम भी घूमेंगे, आपको घुमाएंगे। तो हम कृष्ण जन्मभूमि की गलियों में आ चुके हैं और ये भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए और शॉपिंग के लिए दोनों चीज़ मिल जाएगी अच्छी खासी। तो बस लुकिंग फॉर जन्मभूमि, ये देखो ये भी कुछ तो है मार्केट एरिया, ये शायद आगे जाना है हमको। तो बस अंदर जाते हैं, आपको पूरा जन्मभूमि अच्छे से दिखाते हैं, स्पेशली कंस किला जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, मतलब उन्हीं के कारागृह में ही तो उनका जन्म हुआ था, तो वो तो बनता ही आपको दिखाना। तो बस उसी की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, साथ ही साथ रास्ते में जो भी हो रहा है आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये कौन सी कुछ गेट की एंट्री है, आई थिंक ये है कृष्ण द्वार, यही एंट्रेंस होगा शायद। वाह कितना प्यारा गया, ग्रैंड लग रहा है, देखो कितना सुंदर है कृष्ण जन्मभूमि। एंट्री करते हैं, चलो। हमको फ़ोन ले जाना अलाउड बिल्कुल नहीं है, तो हमको फ़ोन यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो विच इज़ वाई आई कांट शो यू अंदर का कुछ भी, बट मैं जो भी देख के आने वाला हूँ मैं आपको आके बताने जरूर वाला हूँ। तब तक मैं अपना फ़ोन जमा कर देता हूँ, यहीं क्लॉक रूम है, यहीं पे सामान घर में जमा कर रहा हूँ, तो जमा करता हूँ फिर आके आपको बताता हूँ क्या है अंदर का। तो जन्मभूमि घूम ली हमने, हम आपको नहीं घुमा पाए क्योंकि उन्होंने हमको फ़ोन ले जाने नहीं दिया, क्लॉक रूम में रखवा दिया। और अंदर क्या था, हमने बेसिकली देखा कि वही कारागृह है और कंस की हवेली है जहाँ पे वो कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, वही कारागार में लंबी सी लाइन लगा के आपको जाना है, कारागार देखना है और घूम के आ जाना है। इसके अराउंड था और एक नया सेक्टर बनाया है जहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति लगी है, वो भी अंदर ही कृष्ण जन्मभूमि। बेसिकली ये वही प्लेस है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पे कैमरा वैमरा ले जाना बंद है, सो दैट वी कांट रिवील एनीथिंग। यही था, हम रिवील तो नहीं कर पाए बट हाँ विजिट कर लिए, घूम लिए यहाँ पे, ऐसे तो दर्शन हो गए, तो मतलब वो अच्छी बात थी। तो होल सब मज़ा बहुत ज़्यादा आया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल की तरफ, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ चाय पीते हैं, नहीं तो सीधा होटल जाते हैं क्योंकि हमको आगे भी जाना है लखनऊ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल के लिए। सो आई एम बैक एट माई होटल और आज की जर्नी बहुत मज़ेदार थी, कृष्ण जन्मभूमि घूमा और गोवर्धन पर्वत गिरिराज महाराज के भी दर्शन किए, तो मज़ा आ गया। और अभी हम लोग का रात में ट्रेन है 12 बजे। तो ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ और हम जा रहे हैं लखनऊ, कल सुबह 8 बजे हम लोग लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो चैनल पे बने रहें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अभी आगे और भी ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि हम आए हैं देव दीपावली कवर करने जो कि वाराणसी में है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।